सो नमस्ते एवरीवन, रजत चौहान हियर। तो यू नो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है, अफिलिएट मार्केटिंग में आप कौन सी ऐसी एक स्किल है जिसको आप सीख लेते हो तो बहुत ही अच्छा सा ग्रो कर पाओगे। तो आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो आप अच्छे से देखना, और हमारी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और आप कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे बस गुरु गुरु लीड चार्क हो गया, लीड गुरु हो गया, मिलर ट्रैक हो गया, डिजिटल आई प्रीनियर हो गया, वीए प्रीनियर हो गया, बहुत सारे यू नो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, और आप हमारे साथ कनेक्ट करके आपकी अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए एनरोलमेंट लिंक से एनरोल करो, पर्टिकुलर पैकेज को यू नो आप सिलेक्ट करो एंड देन हमें मैसेज करो। हम आगे आपको गाइड करेंगे कैसे आपको अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो होना है। और दूसरी चीज़ यार, सॉरी, बहुत ही मतलब बैकग्राउंड में भी साउंड आएगा, क्योंकि हमारे बाजू के ही हमारे जो पड़ोसी उनका जो घर है वो रिनोवेट हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे लोगों का मैसेज आता है कि सर मैंने इस पर्सन से ज्वाइन कर लिया है बट वो पर्सन मेरी हेल्प नहीं कर रहा, या फिर इस पर्सन से मैंने ज्वाइन कर लिया वो मेरे कॉल रिसीव नहीं कर रहा, मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट पहले से ही करूँगा कि गाइज उनके साथ ही आप ज्वाइन करो जो लोग ऑलरेडी ये फील्ड में एक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग से वीडियो भी प्रोवाइड कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल डिजाइन किया हो कि कौन से प्लेटफॉर्म के बाद आप ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन हो वो लॉन्ग टर्म के विजन के साथ वो अलाइन हो, ठीक है। तो चलो ये सारी चीज़ें ठीक है, बट हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारी ऐसी कौन सी ऐसी एक स्किल है जो आपने डेवलप कर ली, तो गाइज अफिलिएट मार्केटिंग में आप बहुत ही अच्छा सा करोगे। इवन अफिलिएट मार्केटिंग में भी नहीं, आने वाले फ्यूचर में आप कोई अदर इंडस्ट्री में भी जाओगे, आपका खुद का बिजनेस डेवलप करना है, या फिर आप कोई जॉब में जा रहे हो, या फिर ऐसी कोई इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो भी ये स्किल यू नो आपको बहुत ही अच्छा सा हेल्प रहेगी। वो स्किल है गाइज सेल्स, मतलब आप बेचना सीख लो यार। हमारे इंडिया में लोग कुछ बेचना है ना बहुत ही मतलब नेगेटिवली देखते हैं, बट गाइज अभी जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे हो, जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हो, जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर देख लो, ठीक है, वो बेच बेच के ही बड़े हुए हैं। बिना बेचे, बिना सेल किए आप बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाओगे। वो चाहे आपकी डिग्री को भी क्यों ना सेल करनी पड़े, आप किसी जॉब पे इंटरव्यू देने गए हो तो आप अपने आप को सेल कर रहे हो, अपनी डिग्री को सेल कर रहे हो, तब जाके वो आपको पैसा देगा, अदरवाइज आपको कोई पैसा नहीं देने वाला, ठीक है। तो सेल पे आपको काम करना पड़ेगा, सेलिंग पे काम करना पड़ेगा, बेचना सीखना पड़ेगा आपको, अपने आप को बेचना सीखना पड़ेगा, आपके रिज्यूमे को बेचना सीखना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्ट को बेचना सीखना पड़ेगा, आपका एक पर्टिकुलर सर्विसेज है वो बेचना सीखना पड़ेगा। तो ये एक स्किल है ना गाइस, वो कैसे आप सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें आपको सीखनी पड़ेगी। तो वही चीज़ है मतलब जो हम आपको अफिलिएट मार्केटिंग जो सिखाते हो, हम ऑनलाइन सेलिंग भी सिखाते हैं ना, उसमें कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से डेवलप करो, आपका जो पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है वो अच्छे से यू नो सीखो, मतलब सीखोगे कैसे, जब तक किसी के साथ बात नहीं करोगे, जब तक किसी के साथ यू नो आप इंट्रो नहीं करोगे, तब तक ये सारी स्किल नहीं आएगी किसी भी साथ, मतलब कुछ भी आपको। सेलिंग एक ऐसी चीज़ है ना गाइज, सबसे बड़ी सेलिंग में लोग यहाँ पे अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर पाते, तो वो लोगों को ना रिजेक्शन का डर रहता है गाइज, मतलब मतलब ये पर्सन ने मेरे को ना बोल दिया, तो ये पर्सन ने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया, तो ये पर्सन ने मेरा सर्विसेज नहीं लिया, तो बहुत सारे ऐसे फियर हम अपने अंदर रहते हैं, तो इसलिए हमें ना किसी के सामने जाने से पहले लो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। आपको सेलिंग में क्या होता है ना कि आपको सामने को मतलब कोई भी बंदे को आप कुछ भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो आपके अंदर वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि भाई उसकी भलाई के लिए मैं उसको ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ। ये मेरा फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये जो पर्टिकुलर हमारे पैकेजेस है बिज गुरुकुल के, डिफरेंट डिफरेंट हमारे कोर्सेज है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स है, ठीक है, तो मैं कैसे किसी कोई स्टूडेंट को या फिर कोई भी जॉब करता हुआ पर्सन उसको कैसे मैं यू नो सेल करता हूँ, तो भाई मैं अंदर से मुझे पता है कि भाई वो पर्सन ने मतलब बहुत सारी स्किल्स है, उसमें से एक स्किल भी उसने एक्वायर कर लिया, सीख लिया, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, मुझे पता है, मैंने खुद फील किया। मैंने कम्युनिकेशन पे काम किया, मैंने वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग, वीडियो कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ों पे काम किया, यूट्यूब पे अच्छे से ग्रो किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है बिज गुरुकुल लीड चार्ट जैसे प्लेटफॉर्म में के थ्रू, ठीक है, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी करता हूँ और प्रमोट भी करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ था, मतलब कैसे आप सेलिंग सीखोगे ना, तो अफिलिएट मार्केटिंग में तो आप सक्सेसफुल हो गए ही हो गए, इसके साथ साथ आप आने वाले फ्यूचर में कोई अदर बिजनेस कर रहे हो, अदर कोई आपकी खुद की कुछ प्रोडक्ट आपने बना ली, तो उसमें भी आपका वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो आपका काम जो आपने कुछ सीखा है वहाँ से, वो आने वाले फ्यूचर में भी काम आएगा।
तो जैसे मैंने बताया, सेलिंग स्किल गाइस आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी। और वो कैसे सीखोगे? हर जगह से रिजेक्शन आएगा, हर जगह से आपको ना आएगी, हर जगह से आपको कोई इग्नोर कर रहा है, हर जगह से आपको जलील किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप जब मतलब सहने लगोगे ना, तो अपने आप एक स्किल डेवलप होगी, सीखोगे सारी चीज़ों से। आप सीखोगे भाई इसने ना क्यों बोला, इसने मेरे को रिजेक्ट क्यों किया, क्या मेरे में प्रॉब्लम क्या है, क्या मेरे को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तब आएगी जब आपकी कोई लीड्स आती है, ठीक है गाइस, उसको कैसे बात करनी है, आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपके पास जो आप बेच रहे हो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जब आएगी ना, तब डेफिनेटली आपकी जो ये जो मैंने जैसे बताया कि सिर्फ एक स्किल अफिलिएट मार्केटिंग में आपने अच्छे से सीख लेना गाइस, अफिलिएट मार्केटिंग में आप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो। होप आपको समझ में आएगा गाइस, मैं सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर जो इंडस्ट्री है उसमें भी ये स्किल आपने सीख ली तो आप मार्केटिंग सेलिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर सकते हो लाइफ में। तो गाइज होप आपको समझ में आया होगा गाइज, क्योंकि ये जो सेलिंग स्किल है गाइज हर जगह पे काम आने वाली, आपके आपके बिजनेस में भी, आपके रिलेशनशिप में भी, आपके फ्रेंडशिप में भी, आपके हर जगह सेलिंग काम आएगा, ठीक है। हम ना कुछ लेन देन ही कर रहे हैं ना किसी के साथ। आप अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे सामने वाले बंदे से, तो वो आपसे कनेक्ट कैसे करेगा? आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से आप डील नहीं करोगे तो वो आपसे क्यों रहेगी? तो ये सारी चीज़ सेलिंग पे ही आती है। मतलब सेलिंग का मतलब बेसिक स्किल्स है जिसको आपको ग्रो करना ही चाहिए। तो होप आपको समझ में आया होगा गाइस, और नहीं समझ में आया तो नीचे दिए गए एनरोलमेंट लिंक से आप एनरोल करो, उसके बाद हमें मैसेज करो व्हाट्सएप पे, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है कोई भी अफिलिएट प्लेटफॉर्म के थ्रू और उसमें से अर्निंग करना है, ठीक है। एनरोल डेफिनेटली करना गाइस, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी बार बार आपको नहीं मिलने वाली है। तो अभी 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है मेरा रेफरल कोर्स के थ्रू, MAN 4340, फिर से एक बार MAN 4340, वो लगाओगे तो काफी अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।